देखो क्या है ना कि जब हम लोग कास्टिंग शुरू करते हैं, आई स्टार्ट मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल. मुझे हमेशा लगता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक वो वक्त आता है जहाँ उसको ऐसा कुछ करना चाहिए. मैं बहुत लोगों से मिला था और भी काफ़ी बिग बॉस के सीज़न के कंटेस्टेंट से भी मिला था, लेकिन दीपक मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट था कि ही शुड बी गिवन अनदर चांस, क्योंकि मुझे लगता है वो जीत सकते थे लास्ट सीज़न. पर उन्होंने बहुत सारी पैसा ले लिया, बहुत सारा पैसा ले लिया एंड ही लेफ्ट, बट ही वॉज अ गुड प्लेयर. एंड लुसिंडा वॉज इन माई सीज़न एंड आई रिमेंबर शी वॉज इन अवेयर, शी डिड नॉट नो कि वो कैसे खेलती कैसे करती. लेकिन इस पूरे वक्त के दौरान जितना मैंने उन्हें देखा है समझा है, एंड शी इज़ रियली रियली इवॉल्व्ड एंड शी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक जो वो इस गेम में लेकर आएंगी वो इस गेम को हाँ बहुत ही मतलब इंटरटेनिंग एंड अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन साथ में बहुत ही एक्साइटिंग भी बनाएगा. करण कुंद्रा को लेके जाओ वहाँ पर, करण पटेल को भी लेके जाओ, दोनों बहुत अच्छे हैं, मज़ा आ जाएगा, हमें मज़ा आएगा. बिग बॉस का पता नहीं मुझे, और बहुत अच्छा होता है. लास्ट ईयर देर वर टू पीपल हु वन इट एंड दे केम एंड दे बिकेम मे बी मास्टर माइंड फॉर अ डे एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग. बिकॉज क्या होता है ना, पावर आपके हाथ में आती है, बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव ऑलवेज टोल्ड दैट, स्पाइडरमैन ने मुझे सिखाया है. मैं बाकियों को बोलता हूँ. तो कहते हैं ना, जब कोई बहुत ही नॉटी हो क्लास में उसे मॉनिटर बना दो तो सडनली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. तो आई थिंक विद द पावर दैट दीज पीपल गेट हु विन, they come and they understand a lot more about this. So it's an exciting phase. Yes. देखो यार, सारे shows जो कि लोगों को कमरे में बंद कर देते हैं, उनके ऊपर कैमरा लगा देते हैं, वो कहलाते हैं captive reality shows. जैसे कि जितने भी अब सास बहू देखती हैं वो कहते हैं आपको family dramas होते हैं, फिर कुछ love stories होते हैं, सबकी कहानियाँ अलग हैं, किरदार अलग हैं, तो वो सेम हो ही नहीं सकते. कोई और सलमान खान नहीं हो सकता, कोई और बिग बॉस नहीं हो सकता, वैसे ही मास्टरमाइंड का घर कोई और नहीं हो सकता. विकास गुप्ता बिल्कुल अलग है. बस सिमिलर यह है कि यहाँ पर भी कुछ लोग बंद हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग बंद हैं, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है वहाँ और यहाँ बहुत डिफरेंस है.